वेलकम टू माय ब्लॉग। और अभी जो है शाम के 7 बज चुके हैं। नहीं पता, कल पेड़ों को पौधों को पानी डाला था तो हो गया होगा शायद। हाँ ये देखो आई। तो हम लोग अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग गार्डन में जा रहे हैं। और जो कल वाला बच्चू दिखाया था आपको, वो कब से मेरे को परेशान कर रहा है, मिन्नी चलो मिन्नी चलो मिन्नी चलो। तो हम लोग जो है अभी गार्डन में निकल रहे हैं जाने के लिए। आई दरवाजा लॉक लगाने में लाऊं किशन। आई फॉरगॉट टू लॉक द गेट। तो चलिए चलते हैं गार्डन में। आपको आज मैं हमारा गार्डन दिखाती हूँ। वैसे भी जल्दी चलो। तो अभी मैं ना उसको फोर्स कर रही हूँ कि जल्दी चलो जल्दी चलो। गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि अभी शाम के 7 बज चुके हैं। इसी में समय शाम के 7 ही बज चुके हैं ना। हाँ 7 बजने को ही आए और मैं पसीने से पागल हो रखी हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा रास्ता और हम जा रहे हैं अभी गार्डन में। हाय करो हाय। ये देखो हमारी मौशी। ओ मौशी तुम्हें फेसबुक पर भी टाकना रे। ये देख ये देखो ये देखो। ए नहीं इंस्टा पे नहीं रे, ये इस पे यूट्यूब पे। अयो बड़ा आता। ये देखो ये देखो ये देखो हमारा बच्चा। क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए? ये देखो ये हमारे बच्चे को ना प्यास लग गई है। घर से 5 मिनट हुए नहीं है चलने को और इसको प्यास लग गई है, पानी लेने गया है। और क्या क्या मेरे को नहीं समझ में आया, बताओ मेरे को फिर से बताओ। पानी तो पीने दो पहले। हाँ अब बताओ क्या हुआ था बेटा। तो हम अभी आज यहाँ पे गार्डन में पहुँच चुके हैं। और बॉटल दे दी क्या इसने आपके हाथ में? देखा देखा कैसे करता है ये लड़का। अपन इतने पन आला ना, इतने पन अपना वजन करने। असद गार्डन में क्यों नहीं जाने का, घूमते जाने का? हाँ इधर देखो देखो। अरे पड़ला क्या होता है इधर देखो। ये सूर्य नमस्कार नको सूर्य नमस्कार है। गार्डन में एंजॉय करने के लिए, राउंड मारने के लिए। हाँ। खेलना नहीं है। अरे ऐसे कैसे खेलना नहीं है। हाय करो इधर इधर हाय करो इधर हाय करो। दादी एक्साइटमेंट में चली गई खेलने के लिए लेकिन बच्चा उठ नहीं रहा है उनका। गरम गरम में मट्टी बहुत। तो पैर मत डालो उस पे ने। ये देखिए यहाँ पे हम लोग गार्डन में आए हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं लेकिन हमारा जो बच्चा है उसको खेलना नहीं है बस। तो अभी जो है फ्रेंड्स मैं गार्डन में गई थी और गार्डन से अभी घर पे आ चुकी हूँ। और आराध्या जो है चिढ़ रहा है मेरे भी क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है, मूड नहीं है ब्लॉग करने का। तो मैं आपको थोड़ा सा मेरा गार्डन दिखा देती। तो फ्रेंड्स गार्डन से आने के बाद अभी जो है खाना बनाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो खाने में बना रही हूँ अभी ठेचा। महाराष्ट्र में ठेचा बोला जाता है उसको, हरी मिर्च का रहता है टमाटर का रहता है। तो
चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है खाना खाने के 10 बज चुके हैं और खाना भी हो गया है, मतलब खाना बनाने के बाद बाद खाना भी मेरा हो गया है। तो अभी जो है आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और फिर कल फिर एक बार मिलेंगे, एक बार मतलब हम लोग तो वैसे बार बार मिलने वाले, तो फिर कल मिलते हैं हम लोग। कल के व्लॉग में मैंने जो भी आपको बताया वो तो आपको पता चलने वाला है। वैसे आज 6 मई है और आज का मेरा व्लॉग 6 मई का है। हमेशा की तरह मैंने इस बार भी सोचा है कि मैं हर रोज़ व्लॉग डालूंगी। पता नहीं, मैं मेरे खुद के प्रॉमिस पूरे नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं हर रोज़ व्लॉग डालूँ। तो प्लीज़ गाइज़, मोटिवेट करने की आपको ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ व्यू करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए अपने। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मुझे मोटिवेशन मिले और मैं रोज़ हर एक नया व्लॉग आपके लिए डालती रहूँ। और जो भी आपको सजेशन होंगे, कुछ बात अच्छी लगी बुरी लगी, सब कुछ आप कमेंट कर सकते हो। ऑल कमेंट्स आर वेलकम, नेगेटिव कमेंट्स भी वेलकम है, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स से तो हमें सिखाते हैं कि हम राइट या रॉन्ग है, या फिर रॉन्ग अगर है तो राइट कैसे रहना है। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय करिए। गुड नाइट फ्रेंड्स। रात के अभी 12:30 बज चुके हैं फ्रेंड्स, और मैं जो हूँ बना रही हूँ आराध्य के लिए मीठा ऑमलेट ब्रेड। मुझे उसका नाम एक्चुअली पता नहीं है। इसमें अंडा डाल के और शक्कर डाल के इसको मिक्स करना है थोड़े से दूध के साथ, और इसको ब्रेड को इसमें लपेट के थोड़ा सा शैडो फ्राई करना है। तो मैंने उसके लिए बनाया था, उसकी चॉइस का पता नहीं क्यों उसने खाया नहीं। और अभी जो है मैं ये बना रही हूँ, अभी इसको मिक्स करूँगी। कैसे बनाती हूँ फ्राई करते समय आपको दिखाऊँगी। कि आप देख सकते हो फ्रेंड, मैं यहाँ पर मिक्स कर चुकी हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने जो घी है वहाँ पे डाल दिया, और ये ब्रेड के टुकड़े हैं जो कि मैं इसमें इसको भिगाऊंगी अच्छे से, थोड़ा भीगने दूंगी। फ्रेंड्स, इस तरह से ये फ्राई हो जाते हैं और फिर इनको खाया जाता है। घी में मैं फ्राई कर रही हूँ इनको, और फिर इसको खाया जाता है। आराध्य भी खा रहा है।